Your sorrow will turn into joy. After 8 years, she is walking. Look at her smiling. She is full of joy. Precious friend, मूल्य दोस्तों, today we remember the sacrifice of our Lord Jesus Christ. आज हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हैं. He loved us and gave himself for us. उसने हमसे प्रेम किया और उसने खुद को हमारे लिए दे दिया. He took all our sorrows and carried all our sicknesses. उसने हमारे सारे दुखों को उठा लिया और हमारी सारी बीमारियों को उठा लिया. He took all our griefs. उसने हमारे सारे शोक को उठा लिया. And carried all our sorrows. और हमारे सारे दुखों को उठा लिया. He took all our weaknesses. उसने हमारी सारी कमजोरियों को उठा लिया. And carried our sicknesses. और हमारी बीमारियों को सह लिया. He became so poor. वो इतना गरीब हो गया. That through his poverty, you and I can be made rich. वो इतना कंगाल हुआ कि उसके कंगाल हो जाने से आप और मैं धनी हो सके. He humbled himself. उसने खुद को नम्र किया. Took the form of a servant. और उसने दास का स्वरूप धारण किया. And he was obedient to death. और वो मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा. And through his death he conquered the wages of sin, which is death. और अपनी मृत्यु के द्वारा उसने पाप की मजदूरी जो कि मृत्यु है उस पर विजय पाई. And today, और आज के दिन, as we celebrate Jesus, जैसे हम यीशु का उत्सव मनाते हैं, by inviting him to come into our hearts, उसे अपने दिल में न्योता देते हैं, and asking him to wash our sins with the blood that he shed on the cross, और क्रूस पर उसने जो लहू बहाया उसके द्वारा अपने पापों को शुद्ध करने के लिए कहते हैं, we are set free from sin and the curse of sin. हम पाप से और पाप के श्राप से आजाद हो जाते हैं. And we receive his life. और हम उसके जीवन को प्राप्त करते हैं. Forgiveness from sin. पापों से क्षमा. And we become his child. और हम उसकी संतान हो जाते हैं. He purchases us with his blood. वो अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लेते हैं. And transforms us into his glory as his divine children. और अपनी आलोकित संतान के रूप में परमेश्वर अपने महिमा में हमें बदलते चले जाते हैं. This is what happened on the day when he went to the cross. और ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ उस दिन जब प्रभु क्रूस पर चढ़ाए गए थे. We celebrate this love of God. हम परमेश्वर के इस प्रेम का उत्सव मनाते हैं. And we honor him. और हम उसका आदर करते हैं. Would you open your heart to him? क्या आप अपना दिल उसके लिए खोलेंगे? And invite him to come in. और उसे भीतर आने के लिए न्योता देंगे. लेते हुए बारी सलीब करुणा भरा खुदा का सुपुत्र लेते हुए बारी सलीब यरूशलेम के दीवारों के पास होते हुए गुलगुता चढ़ा यरूशलेम के दीवारों के पास होते हुए गुलगुता चढ़ा करुणा भरा खुदा का सुपुत्र लेते हुए बारी सलीब उसके शरीर के पांच घावों से खून जोला बेरहा है उसके शरीर
पांच गांवों से कौन जो लाल मेरे है नदी जैसे बहते दे हमारे दिल पिघल गए नदी जैसे बहते दे हमारे दिल पिघल गए. As Jesus was condemned by the priests and betrayed by his own disciple. जैसे यीशु को वहां पर याजक ने दोषी ठहराया और उसके खुद के चेले ने उसे धोखा दिया. Jesus offered himself as a sacrifice. यीशु ने स्वयं को बलिदान करने के लिए दे दिया था. Every time the wicked people came to arrest him, Jesus said, "My time has not come." और जब भी दुष्ट लोग यीशु को वहां पर बंदी बनाने के लिए आते तो यीशु यही कहता कि मेरा समय अब तक नहीं आया है. But finally, लेकिन फिर अंत में, as he prayed in the Garden of Gethsemane, जैसे उसने गतसमनी के बाग में प्रार्थना की, and prepared himself to offer himself as a sacrifice through the Holy Spirit, और उसने अपने आप को तैयार किया कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो खुद को बलिदान के रूप में चढ़ा दे. He said, "Now my time has come." उसने कहा, अब मेरा समय आ चुका है. Now I'll be betrayed. अब मैं पकड़वाया जाऊंगा. Denied. मेरा इनकार किया जाएगा. And handed over to be crucified. और मुझे क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए सौंपा जाएगा. And just then, और तभी, the betrayer came. वो पकड़वाने वाला आया. And they arrested him. और उन्होंने उसे पकड़ लिया. He offered himself willingly. उसने अपने आप को अपनी इच्छा से सौंप दिया. And they made him stand before the Roman governor for a judgment. और उन्होंने उसे न्याय के लिए रोमी गवर्नर के सामने खड़ा कर दिया. Governor said, "I find no fault in this man." और गवर्नर ने कहा कि मैं इस व्यक्ति के अंदर कोई दोष नहीं देखता हूँ. And he said one more thing. उसने फिर एक और बात कही. In John 19 and verse 5. यूहन्ना 19:5 में. Behold the man. देखो वो मनुष्य. Behold the man. देखो वो मनुष्य. As he pointed to Jesus, he said, "Behold the man." और जैसे वो यीशु की उंगली उठाकर कह रहा था और उसने कहा कि देखो ये मनुष्य. He said, "If at all anybody has to be called a man, it is Jesus." अगर किसी को मनुष्य के रूप में अगर कहा जाना चाहिए तो वो केवल यीशु है. Because according to Genesis 1:27, क्योंकि उत्पत्ति 1:27 के अनुसार, God made man in His own image. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया. But man sinned. लेकिन मनुष्य ने पाप किया. And he was influenced by the devil. और वो शैतान के द्वारा प्रभावित हुआ. And the nature of the devil came into man. और शैतान का जो स्वभाव है वो मनुष्य में आया. Every man born in this world, every woman born in this world is born in sin. इस संसार में जन्म लेने वाला हर एक मनुष्य, हर एक पुरुष, हर एक स्त्री जो है वो तो पाप में जन्मे हैं. Born with the nature of the devil, Satan, and the nature of death. वो तो शैतान और मृत्यु के स्वभाव के साथ में जन्मे हैं. But Jesus was born with life. लेकिन यीशु जीवन के साथ जन्मा. With holiness. पवित्रता के साथ जन्मे. He was not born with the seed of a man. वो मनुष्य के बीज के द्वारा नहीं जन्मे. He was not born with the seed of sin which is in man. और वो तो मनुष्य के अंदर जो पाप है उस पाप के बीज के द्वारा नहीं जन्मे. He was holy. वो पवित्र थे. And that's why the Roman governor pointed to him and said, "He is the man." और इसलिए वहाँ पर रोमी गवर्नर्स की उंगली उठाकर कहता है कि यही वो मनुष्य है. I find no fault in him. और वो कहता है कि मैंने इसके अंदर कोई गलती नहीं देखी है. In Ecclesiastes 7:28. और सभोपदेशक अध्याय 7:28 में हम देखते हैं. Man of wisdom, Solomon says, "I could find only one person whom I could call as a man among the thousands." यहाँ पर जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान था, वो इस तरह से कहता है कि हजारों में केवल एक ही मनुष्य है जिसे मैं हजारों में केवल एक ही है जिसे मैं पुरुष या मनुष्य के रूप में कह सकूँ. Jesus, the man. यीशु जो कि मनुष्य है. Man who is to be in the image of God. मनुष्य जो कि परमेश्वर के स्वरूप में है. That was Jesus. वही तो यीशु था. He could not find any fault in him. उसमें उन्होंने कोई दोष नहीं पाया. My friend, मेरे दोस्तों, today Jesus wants to make you the man or the woman
whom God made in his own image. आज यीशु आपको ऐसे ही मनुष्य यानी स्त्री और पुरुष बनाना चाहते हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता से बनाया है. Today, do you say, my heart is condemning me for the sins and the wickedness and the evil and the lust which is in me? क्या आज आप ये कहते हैं कि मेरे अंदर जो पाप है, जो बुराई है, जो अभिलाषा है, उसके कारण मेरा दिल मुझे दोषी ठहरा रहा है? Do you say, I have the nature of the devil in me? क्या आप ये कहते हैं कि मेरे अंदर मानो शैतान का स्वभाव है? Today, Jesus went through the cross to give you the image of man, which is the image of God, which God created. और निश्चय आज यीशु इसलिए आए हैं कि हमें परमेश्वर का स्वरूप दे, मनुष्य का स्वरूप दे, जो कि परमेश्वर का स्वरूप है, जो परमेश्वर ने जैसे मनुष्य को बनाया है. Turn to Jesus. आप यीशु की ओर मुड़ जाइए. Tell him, Lord Jesus. आप उससे कहिए, प्रभु यीशु, wash me with your pure blood. मुझे अपने शुद्ध लहू से धोकर शुद्ध कीजिए. And cleanse me. मुझे शुद्ध कीजिए. Give me the image of God. मुझे परमेश्वर का स्वरूप दीजिए प्रभु. Let me be the man, the woman whom you created. मैं ऐसा स्त्री या ऐसे पुरुष बनूं जो कि आपने बनाया है. Now he will transform you. अभी वो आपको बदल देंगे. That's why he went to the cross. और इसीलिए वो क्रूस पर गए. What a great joy. ये कितने महान आनंद की बात है. When Jesus was crucified, उस दिन जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, two thieves were crucified on either side of his cross. यीशु के क्रूस के दोनों तरफ एक-एक चोर, यानी दो चोर वहाँ पर लटकाए गए थे. Both were found guilty. उन दोनों को दोषी माना गया था. They had committed crimes. उन्होंने तो अपराध किए थे. And they were justified in being crucified. और उन्हें क्रूस पर
मृत्यु दंड देना तो उनके लिए बिल्कुल सही बात थी। One of them was criticizing Jesus. और उनमें से एक तो यीशु पर दोष लगा रहा था। But the other one said, लेकिन दूसरे ने कहा, How can you criticize him? तुम उस पर कैसे दोष लगा सकते हो? We are justified in being crucified. हमें क्रूस का दंड दिया गया, मृत्यु दंड दिया गया है। ये तो हमारे साथ में सही न्याय किया गया है। But Jesus, लेकिन यीशु has no reason to be crucified. इसके पास कोई कारण ही नहीं कि इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। He has committed no crime. इसने कोई अपराध नहीं किया है। He says that in Luke 23 and verse 41. और लूका अध्याय 23 वचन 41 में इस तरह से कहता है। He says Jesus has committed no crime. और वो कहता है कि यीशु ने कोई अपराध नहीं किया है। This is the testimony of a man who had committed crimes. ये तो उस व्यक्ति की गवाही है जिसने खुद अपराध किया था। Yes, Jesus Christ is the hope for those who have committed crime. हाँ, जिन लोगों ने अपराध किया उन सभी लोगों के लिए यीशु मसीह ही आशा है। The crime filled thief asked him. अपराध से भरे हुए उस चोर ने प्रभु यीशु से कहा, Jesus, प्रभु यीशु, when you come into your kingdom, जब तू अपने राज्य में आएगा, would you remember me? क्या तू मुझे स्मरण करेगा? Would you remember me? क्या तू मुझे स्मरण करेगा? I want to come to heaven. मैं स्वर्ग में आना चाहता हूँ। I know you will walk into heaven. मैं जानता हूँ तू स्वर्ग में चलेगा। You have done no crime. तूने कोई अपराध नहीं किया है। You have been unjustly committed to the cross. तेरे साथ अन्याय करके इन्होंने तुझे क्रूस पर जड़ दिया है। Please remember me. कृपया करके मुझे स्मरण कर। I want to come to heaven. मैं स्वर्ग में आना चाहता हूँ। That's the cry I have every day. हर एक दिन यही तो मेरी पुकार होती है। I tell the Lord. मैं प्रभु से कहता हूँ। Master. हे स्वामी। I may preach to thousands of people. शायद मैं हजारों लोगों को प्रचार करूँ। Pray for many people. और बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करूँ। I may build your kingdom. शायद मैं तेरे राज्य को बढ़ाते चले जाऊं। Run institutions which carry your name. और ऐसे संस्थाएं चलाऊं जिसमें तेरा नाम है। But लेकिन finally I must come to heaven. अंत में मुझे स्वर्ग में आना है। I may do all this and if I miss heaven, what a miserable person I'll be. अगर मैं ये सब कुछ करूं और स्वर्ग से चूक जाऊं तो मैं कितना भयानक, कितनी बुरी दशा में पड़ा हुआ व्यक्ति रहूंगा। You are coming back in secret to rapture your people. प्रभु तो गुप्त में आ रहा है कि अपने लोगों को रैप्चर करके उठा ले। I must be raptured. मुझे भी उठाया जाना चाहिए। Have mercy. मुझ पर दया कर प्रभु। That's my prayer every day. यही तो मेरी प्रतिदिन की प्रार्थना है। And this thief also was waiting. और ये चोर राह देख रहा था। When will they bring Jesus? कि वो यीशु को कब लेकर आएंगे? When will he be crucified by my side? मेरे साथ में, मेरे बाजू में वो कब यहाँ पर क्रूस पे चढ़ाया जाएगा? Yes, Jesus did not come to him as the King of Kings and the Lord of Lords. और यीशु उसके सामने राजाओं के राजा, प्रभु के रूप में नहीं आए। Jesus did not come to him as God. और यीशु उसके सामने परमेश्वर के रूप में भी नहीं आए। Jesus came to him as a condemned prisoner lying on the cross crying out my god why have you forsaken me yeshu uske paas mein ek apradhi aise qaidi ke roop mein aaye jinhe cross par jad diya gaya tha aur wo pukar rahe the hey mere parmeshwar tune mujhe kyon chhod diya hai but god opened the eyes of that condemned prisoner lekin parmeshwar ne is doshi chor ki aankhon ko khol diya he could see jesus as god Even though he was on the cross. और वो यीशु को परमेश्वर के रूप में देख सका, हालांकि यीशु उस समय वहाँ पर क्रूस पर था। You may say, if Jesus is God, why should he go through the cross? आप शायद ये कहें कि यीशु तो परमेश्वर है, तो फिर उसे क्रूस पर से जाने की ज़रूरत क्या है? The thief recognized that only on the cross he showed himself as God. और उस चोर ने इस बात को समझ लिया कि क्रूस पर ही उसने अपने आप को परमेश्वर के रूप में प्रकट किया है। Though he did no crime. हालांकि उसने कोई अपराध नहीं किया था। Though the Roman governor said, और हालांकि रोमी गवर्नर ने कहा था, is godly, ये भक्ति पूर्ण है। I find no fault, मैं इसमें कोई गलती नहीं देखता। Yet Jesus offered himself as a sacrifice for everyone's sin to be forgiven through his sacrifice for them. लेकिन यीशु ने यहाँ पर अपने आप को वहाँ पर सौंप दिया ताकि सभी के पाप क्षमा कर दिए जाए, और यीशु ने अपने आप को वहाँ पर बलिदान कर दिया। As a lamb is slain. For the sins of people. एक मेमना जो कि जगत के पापों के लिए वध किया गया। Jesus died as godly lamb. यीशु भक्तिपूर्ण परमेश्वर के मेमने के रूप में मरा। But he rose up.
और वो फिर से जी उठा। And the thief believed that he would rise up from his grave. और उस चोर ने विश्वास किया कि वो अपने कब्र में से जी उठेगा। And said, "Take me to heaven with you, forgiving me." और उसने कहा, मुझे क्षमा करके मुझे अपने साथ में स्वर्ग में लेकर जा। Today. आज के दिन बिलीव इन जीसस, यीशु पर विश्वास कीजिए। बिलीव इन द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस, यीशु के बलिदान पर विश्वास कीजिए। बिलीव दैट ही वाज अ सैक्रिफाइस मेड फॉर योर सिंस टू बी फॉरगिवन, विश्वास कीजिए कि आपके पापों को क्षमा करने के लिए उसे बलिदान के रूप में चढ़ाया गया है। फॉर यू एंड मी अ कंडेम्ड पर्सन बिकॉज ऑफ आवर सिंस to be forgiven by his sacrifice. कि आप और मैं जो कि दोषी व्यक्ति थे, हमारे पापों को उसके बलिदान के द्वारा क्षमा किए जाने के लिए। And we will tell him as the thief said, remember me and take me to heaven, Lord. और जैसे चोर ने कहा था, वैसे हम भी उससे कहेंगे, हे प्रभु, मुझे स्मरण कर और मुझे स्वर्ग में लेकर जा। Jesus told him. यीशु ने उससे कहा, Today you will be in paradise with me. आज तू मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा। He will tell you the same thing. और वो आपसे बिल्कुल यही बात कहेगा। He will make you to be ready for heaven. और वो आपको बिल्कुल तैयार कर देंगे स्वर्ग के लिए। What a great hope in Jesus we have. यीशु मसीह में हमारे पास में कितनी बड़ी आशा है। In Matthew 27 and verse 50. मत्ती अध्याय 27 वचन 50 में। The Bible says Jesus never gave up his life. Cursing and breaking down before other people. बाइबल ये नहीं कहती कि यीशु वहाँ पर दूसरे लोगों को कोसते हुए और दूसरे लोगों को श्राप देते हुए अपने प्राण को त्यागा। He with a loud voice gave up his spirit to God. लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। He said, "Into thy hands, Almighty God, I give my spirit." और उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूँ। And when he said that, और जब उसने ये कहा, the partition in the temple of the Lord between the people and God's holy throne was broken and torn. तब जो भवन में जो पर्दा था, जो परमेश्वर की उपस्थिति और लोगों को अलग अलग करता था, वो पर्दा पूरी तरह से फट गया। And he made the way for man to enter into the holy presence of God to be made holy. और उसने मनुष्य के लिए मार्ग बनाया कि मनुष्य जो है वो तो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर पवित्र हो जाए। The earth shook and there was an earthquake. और उस समय भूकंप हुआ, पूरी पृथ्वी कांप गई। And the graves were open. और उस समय कब्रें खुल गई। The dead in Christ. In God rose up alive. और जो परमेश्वर में जो मरे हुए लोग थे, वो फिर से जी उठे। Yes, the Roman centurion who saw all this. और उस समय एक सुबेदार था, रोमी सुबेदार, उसने ये सब कुछ देखा। Cried out. वो पुकार कर कहने and लगा। Said, Truly, he is the son of God. और उसने कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। Truly, Jesus is the son of God. सच में ये परमेश्वर का पुत्र है, ऐसे कहा। What a great testimony. ये कितनी महान गवाही है। You read that in Matthew 27 and verse 54. आप इसे मत्ती अध्याय 27 वचन 54 में पढ़ते हैं। Yes, what a great God we have. हमारा परमेश्वर कितना महान है। He's able to give life and take life. वो तो इस योग्य है कि जीवन दे और फिर जीवन ले भी ले। He's the God of the dead. He's the God of the living. वो तो मुर्दों का परमेश्वर और साथ साथ में जीवितों का परमेश्वर है। He cares for those who are on earth. और जो पृथ्वी पर उनकी वो परवाह करता है। And those who are in heaven. और जो स्वर्ग में उनकी भी वो परवाह करता है। And he controls the powers of darkness in hell too. और वो नरक की जो सामर्थ है उसके ऊपर नियंत्रण करता है। My friend. Today, repent and turn your heart to God. मेरे दोस्तों, आज आप पश्चाताप कीजिए और अपने दिल को परमेश्वर की ओर फेर दीजिए। You need Jesus to be on your side. आपको जरूरी है कि यीशु आपकी ओर से हो। Give your life to Him. अपना जीवन उसे दे दीजिए। Father, पिता, I commend every one of us into your care. मैं हम में से हर एक को आपके सुधी में रखता हूँ प्रभु। Make us the man Jesus by transforming us into your image. प्रभु, हमें अपने स्वरूप में बदलने के द्वारा हमें यीशु के जैसे मनुष्य बनाइए। Give us the hope of heaven. हमें स्वर्ग की आशा दीजिए। And help us to enjoy you on earth with all the power of resurrection. और पुनरुत्थान की सारी सामर्थ के साथ इस पृथ्वी पर प्रभु आपका हम इस पृथ्वी पर आनंद उठाते चले जाएं। In Jesus name. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। यीशु बुलाता है, अभी भी खुला है।
उन लोगों की सेवा के लिए तत्पर है जो टेलीफोन प्रेयर टावर पर फोन करते हैं या ईमेल भेजते हैं। टीवी प्रोग्राम और सोशल मीडिया के द्वारा ये सेवकाई निरंतर जारी है। आप हमारी सेवकाई से सबसे उत्तम और तत्पर सेवा के लिए निश्चित हो जाइए। अभी इस मुश्किल की घड़ी में आपकी सहायता और उदार भेंटों के द्वारा ही आप हमें अगणित लोगों की मदद करने के लिए योग्य बनाते हैं। आप ऑनलाइन डोनेट कर सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और मोबाइल वैलेट्स का उपयोग करते हुए www.jesuscalls.org पर जाइए। गूगल प्ले स्टोर से जीसस कॉल्स मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। मोबाइल ऐप के माध्यम से आप अपनी भेंट भेज सकते हैं। UPI द्वारा भेंट भेज सकते हैं। इस तरह आप QR कोड को स्कैन करके जीसस कॉल्स को भेंट भेज सकते हैं। भारत QR इनेबल्ड मोबाइल एप्लीकेशन खोलिए, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या BHIM जैसी एप्स। इसे खोलकर पासकोड एंटर कीजिए, स्कैन और पे थ्रू QR पर क्लिक कीजिए तो एप्लीकेशन में QR स्कैनर खुल जाएगा। फिर जीसस कॉल्स के QR कोड को स्कैन कीजिए, डोनेशन अमाउंट और रिमार्क्स एंटर कीजिए और फिर पे पर क्लिक कीजिए। इस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए अपना UPI पिन एंटर कीजिए और ट्रांजैक्शन सक्सेस होने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए बेनिफिशियरी नाम लिखिए जीसस कॉल्स और अकाउंट नंबर डालिए 0090105614। बैंक ICICI बैंक लिमिटेड, नुंगंबाकम ब्रांच, चेन्नई 600034। IFS कोड ICICI 000009। जो डोनेशन सीधे बैंक को भेजे गए हैं उसका विवरण ईमेल आईडी के द्वारा हमें भेजिए admin@jesuscalls.org पर या partnercare@jesuscalls.org पर। जब आप ऐसा करेंगे तो आप आशीषों का स्रोत हो जाएंगे। आपका प्रतिफल तो प्रभु से है। Sister Miriam Simon Andrews from Caragon Sangli, thank you for your thank offering, sister, on this Good Friday. Sister Miriam Simon Andrew Sangli से आपके धन्यवाद की भेंटों के लिए धन्यवाद जो कि आपने इस Good Friday के समय भेजी हैं। May the Lord honor you for honoring the cross and enable you to enjoy every blessing. According to Isaiah 40:31, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. क्रूस का आदर करने के लिए परमेश्वर आपका आदर करें और आप हर एक आशीष का आनंद उठाने पाएं। यशायाह 40:31 के अनुसार जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं वो नया बल पाते हैं, वो उकाबों के जैसे ऊंचे उड़ने पाएंगे। Father, let it be so for our dear sister that the ministry soar to great heights, blessing upon the tuition center and the church. पिता, हमारी प्यारी बहन के लिए ऐसे ही होने पाए, इनकी सेवकाई महान ऊंचाइयों पर पहुंचे, इनके ट्यूशन सेंटर और चर्च पर आप आशीष उंडेलिए। Lord bless Dr. Grace, Dorothy, Elizabeth, Solomon with unity in Jesus name, good health and prosperity. पिता, Dr. Grace, Dorothy और Elizabeth को आशीष दीजिए, Solomon को एकता दीजिए, अच्छी तंदुरुस्ती देकर संपन्न कीजिए। Mr. Shinde have perfect health and Chris have wisdom beyond understanding and good future too. In Jesus name, Amen. Mr. Shinde पूरी तंदुरुस्ती पाए और क्रिस पढ़ाई में उज्जवल हो, प्रभु जी अद्भुत बुद्धि देकर आशीषित कीजिए, यीशु के नाम में आमेन। गॉड ब्लेस यू। अपने सपनों की उड़ान भरिए कारुण्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के संग। अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD की डिग्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमारी वेबसाइट www.karunya.edu पर जाइए या हमें admission@karunya.edu पर ईमेल कीजिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए द डायरेक्टर एडमिशंस, KITS, कारुण्या नगर, कोयम्बतूर 641114, तमिलनाडु, इंडिया, या फिर हमें फोन कीजिए 1800-425-4300 या 0422-236-3636 पर।